हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में, मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना इस चीज़ को। तो कतर में रहने वाले और जो कतर में आके जॉब करने वाले उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो आप के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कतर में आते हैं तो लोग चाहते हैं कि उनका खुद का ड्राइविंग लाइसेंस हो। आज का टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना मुश्किल हो जाता है कतर में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कतर में ड्राइविंग लाइसेंस लेना उतना मुश्किल नहीं है, तो उसी के बारे में मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे वीडियो को। और जो मैं इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको बताता हूँ कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कतर में लाइसेंस लेना इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ आप कतर ड्राइविंग इंस्टीट्यूट जाते हैं तो ड्राइविंग एप्लीकेशन फाइल ओपन होता है, उसमें 3,500 रियाल आपका एडमिशन चार्ज है, उसमें आपका फाइल ओपन हो जाएगा। फर्स्ट आपका आई टेस्ट होगा, आई टेस्ट होने के बाद आपका एक ट्रेनिंग कार्ड दिया जाएगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू जो गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा बहुत इजी, एप्लीकेशन के थ्रू आपको लॉगिन करना होगा, जो कि एप्लीकेशन का नाम है ड्राइवर गाइड, येलो कलर का लोगो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है। वन बाय वन उसके बारे में सारा जानकारी मैं आपको दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे आखिर तक, मेरी वीडियो को पूरा देखें। जो जानकारी देता हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसको ध्यान से देखें कि कतर में लाइसेंस कैसे लेते हैं और कतर में लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसेस यूज़ होता है, क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, कितना मुश्किल होता है या कितना आसान होता है, वो सारा चीज़ आपको जानने के लिए इस वीडियो में मिलेगा। प्ले स्टोर से ड्राइवर गाइड एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उसके बाद लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन को ऑन करें। लॉगिन जब आपको ट्रेनिंग कार्ड मिल जाता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, सिलेक्ट अपना लैंग्वेज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सारा लॉगिन होने के बाद सेटिंग में सारा डिटेल मिलेगा। वीडियोस में जाइएगा, एग्ज़ाम में जाइएगा तो सारा आपका फंक्शन यहाँ पर दिखेगा। तो इस तरह का सारा स्टेप है, एग्ज़ाम का है, वीडियोस देखने का है, आपको यहाँ उसका रिज़ल्ट दिखेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कतर में लाइसेंस लेने के लिए ज़्यादा जहमत, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, अगर मेरे चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें, वीडियो में कमेंट करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो जानते हैं जो नहीं जानते हैं सबके साथ शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो कतर में रह रहे हैं या कतर आना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं उनके लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई जानकारी के साथ।